टी20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया की लगातार जीत के बाद भी आखिर क्यों सुनील गावस्कर को आया बहुत ज्यादा गुस्सा। स्वागत है आप सभी लोगों का न्यूज नेशन स्पोर्ट्स में, मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया का जो अभी हमने आखिरी मुकाबला सुपर 8 का आखिरी मुकाबला देखा वो था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जिसे टीम इंडिया ने बड़ी बखूबी से जीत हासिल कर ली। 19 नवंबर का बदला हमने ले लिया इस मुकाबले के दौरान, जब ऑस्ट्रेलिया हमें बैकफुट पर नजर आई और टीम इंडिया हमें फ्रंट फुट पर नजर आई, यानी अपर हैंड टीम इंडिया का इस पूरे मैच के दौरान नजर आया। सभी बॉक्सेस को इंडिया ने टिक करा, चाहे वो बल्लेबाजी हो, चाहे वो गेंदबाजी हो, चाहे वो फील्डिंग हो, तीनों बॉक्सेस पर टिक लगाया। लेकिन अभी भी एक लूप होल है जो सभी को सता रहा है, वो लूप होल है इस टीम इंडिया के अनुभवी खिलाड़ी यानी रविंद्र जडेजा। जडेजा की जो फॉर्म है वो बहुत ही ज्यादा चिंता का सबब बनी हुई है, सवालिया निशान है उनकी फॉर्म पे कि या ना तो उनसे बल्लेबाजी हो पा रही है, ना उनसे गेंदबाजी हो पा रही है, और फील्डिंग में भी वो बहुत ही ज्यादा लचर साबित हो रहे हैं। आपको बता दें कि 3 पारियों में रविंद्र जडेजा ने मात्र 16 रन बनाए इस पूरे टूर्नामेंट में, साथ 6 मैचेस में उन्होंने मात्र 1 विकेट चटकाया है। फील्डिंग में भी अभी आखिरी मुकाबला जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने खेला, फील्डिंग में भी उन्होंने कैच जरूर टपकाया है, यानी बहुत ही ज्यादा बॉडी लैंग्वेज लचर नजर आ रही है, अंडर कॉन्फिडेंट रविंद्र जडेजा नजर आ रहे हैं। ऐसे जड्डू को हमने पहले कभी नहीं देखा कि कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा उनमें, लेकिन लगातार उनको बैकिंग भी मिल रही है, रोहित शर्मा उनको लगातार बैक कर रहे हैं। पिछले 6 मैचेस में रोहित ने उनको हर मैच में खिलाया है, हालांकि पिछले मैच में अक्षर पटेल को उनसे पहले गेंदबाजी के लिए उतारा, लेकिन बैकिंग उनको लगातार मिल रही है, गेंदबाजी भी मिल रही है, बल्लेबाजी भी मिल रही है टाइम आने पर, और फील्डिंग तो वो कर ही रहे हैं। लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज्यादा भड़क गए, लोगों ने कहा कि जड्डू को बाहर कीजिए, प्लेइंग 11 से बाहर कीजिए, इनकी जगह या तो संजू को ले आइए या रिंकू सिंह को ले आइए या किसी और खिलाड़ी को ले आइए, बट इनको बाहर कीजिए। इसके ऊपर एक बयान निकल कर आया है सुनील गावस्कर का। दरअसल उन्होंने कहा है कि मैं जानता हूं इंडियन जो फैंस हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, अगर एक खिलाड़ी 2 मैच में 3 मैच में ना चले तो वो उस खिलाड़ी की, जिस खिलाड़ी ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा उसकी बिल्कुल बखिया कर रखते थे, उसको ट्रोल करते हैं, बहुत ज्यादा ट्रोलिंग का शिकार हो जाते हैं वो खिलाड़ी। तो मैं इंडियन फैंस को, इंडियन क्रिकेट फैंस को बड़े अच्छे से जानता हूं, जो 2 खिलाड़ी के बेसिस पे किसी को भी, 2 मैचेस के बेसिस पे किसी खिलाड़ी को मैच विनर बता देते हैं कि अच्छे फॉर्म में है, वहीं किसी खिलाड़ी को 2 मैच के बेसिस पे खराब फॉर्म का बता देते हैं कि इसके इनके बस की कुछ नहीं है। तो मैं इंडियन क्रिकेट फैंस को बड़े अच्छे से जानता हूं। सुनील गावस्कर ने कहा है कि मुझे लगता है कि जो रविंद्र जडेजा का जो फॉर्म है वो बिल्कुल भी ज्यादा चिंता का सबब नहीं है, क्योंकि मैं उनकी काबिलियत पे बहुत ज्यादा भरोसा करता हूं, मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने अभी परफॉर्म करा है आगे भी वो वैसे ही परफॉर्म करेंगे, अभी तक जैसे करा है, अगर टूर्नामेंट को हटा दीजिए वाले, बट इससे पहले जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म करा है आगे भी वैसे ही वो परफॉर्म करेंगे। तो इसीलिए जडेजा की जो फॉर्म है उसकी चिंता आप मत कीजिए, जडेजा का फॉर्म बिल्कुल पहले की तरह वापस आ जाएगा। तो ये कुछ कहा है सुनील गावस्कर ने। सेमीफाइनल्स में भी उम्मीद जताई है कि इंग्लैंड के खिलाफ शायद जडेजा हुक्म का साबित हो सकते हैं। अब आप कमेंट्स करके बताइए क्या लग रहा है कि जडेजा जो सेमीफाइनल वाला मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ उसमें कितने रन्स बनाएंगे या कितने विकेट चटकाएंगे या कुछ गेंदबाजी में या कुछ बल्लेबाजी में या कुछ फील्डिंग में कमाल करके दिखाएंगे या फिर नहीं, कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए।